वेलकम बैक टू अवर न्यू अंदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर सब बढ़िया हैं और आज तैयारी हो रही है कन्या पूजन की, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ बन गया है खाना, पूड़ियाँ सिक रही हैं और हलवा बना दिया, छोले की सब्जी बिना प्याज के बनानी थी तो थोड़ी ऐसी बन गई है। और ये चने हो गए, इसमें दही है, इसका रायता बनाना था हमें, रायता तो बन नहीं पाया अभी। और यहाँ अग्यारी पूजा हो रही है, अग्यारी होगी रेडी। मैंने खाना निकाल लिया, अब मैं इसमें से निकालती हूँ चने, वो बतासे, पानी लोटा वगैरह। अरे मैंने सील दिए जो बेटा, पापा आ रहे हैं जी। लो पानी। ऐसे नहीं, ऐसे रोक और अब आती है कन्याओं की तिलक की बारी। मैं कर रही थी इनके खाने की तैयारी और यहाँ पर डॉक्टर साहब कर रहे थे कन्याओं का तिलक और इनके पैर छू रहे थे। पापा इतना लेट हो गए, हम कन्या ही नहीं मिल रही थी, वो बड़ी हो गई है, बच्चों 11th में है। कह रहे हैं मेरी भी रखो, और एक और रहेगी कोई वो, हाँ तो मैं निकाल दूंगी, आओ बैठो ताक्षु, आप इधर उधर बैठो, उधर उस। तो इस दिन का बड़े और छोटे हम सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जिस दिन हम कन्याएं बुलाते हैं उनको बहुत प्यार से, विनम्रता से उनको भोजन कराया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। तो ये बहुत ही शुभ दिन है और ये नवरात्रि जाते ही सर्दियों का हो जाएगा शुभारंभ। और इसके बाद जो नवरात्रि आएंगे जो 6 महीने बाद आते हैं अप्रैल में, तो फिर गर्मियों का हो जाएगा शुभारंभ। तो हमारे हर एक त्यौहार की एक वजह होती है, साइंटिफिक रीज़न होता है हर चीज़ का, और वो हमारी आस्था से भी जुड़ा होता है और उसे हम पूरी श्रद्धा के साथ अपनाते हैं और उनको पूरा करते हैं। और प्रसाद भी इतना स्वादिष्ट बना था कि बच्चे भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि आंटी बहुत अच्छा, बहुत टेस्ट आ रहा है प्रसाद में। तो वैसे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, माता रानी का प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है। बैठो, पहले बैठ जाओ, बाद में करना हैंड वॉश। और ये प्लेट है अपनी, लेके जाना ठीक है। हाँ ये प्लेट है अपनी, लेके जाना। और रेमी कितनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी कन्याएं हैं। और कौन, लो चॉकलेट तुम्हारी हो गई, ये तुम्हारी चॉकलेट, लो ये आपकी चॉकलेट मनस्वी बेटा, ये आपकी चॉकलेट और एक उनकी, एक उसका रह गया बच्ची के लिए, जो बच्ची की थाली जाएगी ना जो नहीं आ पाई है। ये एक हमारी कन्या है, ये उसका सामान रह गया, उसको मैं एक प्लेट में लगा के दे दूंगी। अब पैसे दे दो सबको। माता रानी से बस एक ही प्रार्थना है कि माता रानी सबका भला करे, सब पर अपनी कृपा बरसाए। तो इस समय जो भी मेरे साथ ये व्लॉग देख रहे हैं तो वो सभी बोलें जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करेगी। और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे त्यौहार स्टार्ट हो चुके हैं, अब कल का दशहरा है, फिर उसके बाद दिवाली है, करवा चौथ है, फिर दिवाली है, तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं।
सो गाइस कन्या खिलाने के बाद बहुत अच्छे से कन्या खिलाई मैंने, सब कुछ किया, उसके बाद मुझे आ गई नींद। डॉक्टर साहब चले गए थे, बच्चे चले गए थे आवास विकास खाने के लिए। सो फिर मैंने किया आराम, हूँ अब उठी हूँ मैं। मैंने कितना टाइम सोई हूँ ना आज, बहुत देर तक। सो इतनी तेज नींद आई है ना कन्या खिलाने के बाद में। सब लोग चले गए, बच्चे भी चले गए थे आवास विकास। ये आवास विकास से तुम लोग नहीं सोए बिल्कुल भी? कैसी खाई आवास विकास कन्या? बढ़िया। और ये मैडम यहाँ पर लेटी हुई है। अब मुझे तो जो नींद आई है ना, बहुत तेज नींद आई थी, बहुत तेज। इनके पापा का फोन आया है जब उठी हूँ मैं जाके। और आज तो मतलब दो तीन घंटे में आराम से सोई था अक्षु। हाँ मैं इतनी देर सोई हूँ, मैं बहुत बढ़िया नींद आई है। कई दिन से नींद पूरी नहीं हो पा रही थी ना। और ये सूट मैंने लगभग पूरे एक साल बाद पहना है। दूध पीने में नौटंकी करूंगी, अब देखो जा फटाफट से पियो। आराम से, अब इतनी हड़बड़ाहट हो गई इन्हें। ये प्लेटें रख दूं उठा के, ये किचन के कपड़े पड़े हुए हैं ऐसे ही। पियो, हद है यार कसम से। चलो अब खेल लो, मना कर रही हूँ कोई खेलने के लिए तुम्हें, तो पहले दूध पियो उसके बाद खेलो। चलो जाओ, ये बनाना खा लो, ये डालू मैं सिंक में डाल दूंगा। अब खेलो जाओ। और अभी मैं आई हूँ बैंगल्स लेने के लिए, चूड़ी साड़ी की मैचिंग की। ये प्लेन वेलवेट में आया, तो चलो इसको मत डालना। तो बैंगल्स तो बहुत प्यारी प्यारी है, भाभी जी और दिखा रही हैं। बाकी बैंगल बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। ये वाली हैं दोनों, एक मैंने रखवा ली है साइड में, बाकी और देखते हैं। कड़े तो कई टाइप के हैं, अंदर रखे हुए हैं। एक ना इसकी मैचिंग में और निकालती हूँ, पहले उसका मैं करूँ। ये हो गया, हाँ हाँ ये वाली सेलेक्ट होगी। अगर पूरा प्लेन एक कलर मिलता ना तो और भी बेटर। चूड़ी नहीं, फिर कड़े हैं भी दिखा दे। पिछली बार भी देखती हुई, नहीं ये नहीं देखा होगा। हाँ ये अलग है, बहुत प्यारा पीस, अच्छा लग रहा है। और है भी बहुत सुंदर, इसमें कहीं गोल्डन नहीं, कोई सिल्वर नहीं। अच्छा आजकल लटकन वाला फिर से आ गया है। गोल्डन बड़ा प्यारा लग रहा है। किस रेंज में कह रही थी मैं, हैंगिंग्स में ऐसा कुछ। किस रेंज में है ये वाला? 550 के 4 है। वो चैप्टर तो मुझे नहीं पता, बस ये 4 का सेट है ना। ये सारी सेम ही है इसमें, ये तो साइज वाइज है ना, मेरे को साइज देखो, ये 24 पीस के साथ का है। बहुत राजस्थानी ये भी बहुत सुंदर।
की रेंज है ये 1800 का है, ये 1600 का पेयर है, ये वाला ये खराब नहीं होंगे एज इट इज। देखो कि उसका एक एक मोती कैसे, देखो उसको कैसे जड़ा हो गया, कोई रिस्क नहीं है, मेरा नग निकल जाएगा। इसमें बनाने में बॉडी मशीनों से एक एक चीज हाथ से उसको खर्चो। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे कंगन है बैंगल, देख किसी को भी छोड़ने का मन नहीं करेगा। हाँ ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया। ये लेना अभी नहीं, फिर कभी आऊँगी जब लेके जाऊँगी, अभी तो इतना काफ़ी हो गया। थैंक यू। सो यहाँ हमारी फेस्टिवल शॉपिंग चल रही है, धीरे धीरे जब जैसे चले जाते हैं जो पसंद आता है अपना ले आते हैं, पर मेरा सैंडल्स का कोई मूड नहीं था, डॉक्टर साहब ने बस दिलवा दिए कि ले लो, और डॉक्टर साहब ने भी अपने लिए शॉपिंग कर ली है, बट बस उन्होंने दिखाया नहीं है, व्लॉग में नहीं दिखाया, बट उन्होंने भी परचेज कर लिया है अपने लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि वो अपने लिए क्या क्या लेकर आए हैं। अभी मैं हील्स देख रही थी, बट वही प्रॉब्लम है जो पिछली बार हो रही थी ना, एक ये वाला पैर तो सही है, ये वाला पैर ना जिसने यूज किया होगा ना तो वो उसकी वजह से प्रोसेस हो गया है ना। ले लो आप, ले लो आप। सो यहाँ शूज सैंडल स्लीपर्स की तो भरमार थी, और एक से एक डिज़ाइन था जो कि कंफ्यूज करने वाला था, मैं भी कंफ्यूज ही हो गई थी देखकर कि कौन सा पेयर अच्छा लग रहा है, कौन सा ट्राई करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पर गर्ल्स के साथ में बॉयज़ का और बच्चों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, जो कि नज़रें ही नहीं हट रही थी उनसे। थैंक यू भैया, ठीक है। सो ये हो गई हमारी शॉपिंग, ये तो अनवांटेड थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब चलें घर, काफ़ी लेट हो गए। तो भाई हम घर पहुंच गए हैं, बच्चों ने टीवी चला रखा है बहुत ज़्यादा साउंड में। अभी तक क्या लेकर आई हूँ मैं, इसमें शूज़ लेकर आई हूँ अपने स्लीपर, और कुछ बेलीज है और कुछ बैंगल्स लेकर आई हूँ। पहले वो वाला पैर पहन के देखना आपके बन जाएगा। कौन सा, ये? हाँ ये 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 ये, अरे ये हील वाला बाद में पहनना ही। मम्मा मुझे मैंने भी आती, ये झांटा क्या बन जाए, थोड़ा सा लूज है ना, ज्यादा नहीं है। अब थोड़े दिन बाद बन जाए करेंगे मेरे ताक्षी के दोनों के सेम। ये देखो पापा को दिखाओ पहना पहन कर, ये आ गया मेरे। ये मेरे फिट आया, हाँ फिट आया मेरे, ये इससे टाइट आ, टाइट आ रहा है। देख लो चलो, चलोगी ना तो पीछे से पैर भगेगा, देख लो आप छू के देखो, चल के देखो ना। मुझे तो क्या पहन के ना चाहिए, आना चाहिए, हमें क्या है, लेकिन ये पेंसिल है। सही से पहनो। तो मैं ये दो शूज लेकर आई हूँ अपने लिए, बैली है ये, देखो लूज हो रहा है ना पीछे से, अभी ज्यादा हो रहा है, हाँ ज्यादा नहीं हो रहा, और एक ये वाले कैजुअल है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है ना इनका, बढ़िया कलर लग रहा है, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। चलो चलो रिशु को स्केटिंग करवाते हैं, ठीक है मुझे स्केटिंग करवाओ। ओ भाई मेरे बच्चों को स्केटिंग करानी है मुझे, ओके ओके चलो चलो हो गया, बस मेरा पैकिंग हो गई है, सामान रख दिया मैंने, चलते हैं स्केटिंग कराते हैं अपने बच्चे को। चलो गाइस मेरा बच्चा वैसे ही पहली बार में स्केटिंग सीख गया था ना, आज तो और भी अच्छे से कर लेगा, है ना रिशु। स्टॉप, 1 2 3 स्टॉप। अभी मैं आ गई हूँ छत पर रिशु को लेकर, रिशु करानी है स्केटिंग, हुई कपड़े और शूज पड़े हुए हैं जो मैंने वॉश किए थे, इनको भी अंदर रख दूंगी, है ना रिशु। चलो शूज पहनो अपने। अरे रिशु थोड़ी थोड़ी परफेक्ट होने लगी है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। बिल्कुल, तो आराम से आराम।